आज का कार्यक्रम पूरे देश में उस महामानव द्वारा उस रचित ग्रंथ को, उस रचित संविधान को आज पूरे देश, पूरा समाज उस हक अबोध की बात करने वाले अपने आदर्श पूज्य बाबा साहब को नमन कर रहे हैं, धन्यवाद कर रहे हैं, कोटि कोटि नमन कर रहे हैं। और हर वर्ष जिस तरीके से बाबा साहब का कारवा मजबूत हो रहा है, लोग जागृत हो रहे हैं, उसी स्पीड के साथ जो लोग 5000 वर्षों तक आप लोगों को गुलाम बनाए हुए थे, वो पूरी ताकत के साथ, पूरी प्रणाली के साथ बाबा साहब के मिशन को कमजोर करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन बाबा साहब ने ये घोषणा कर दी थी कि 21वीं सदी अम्बेडकर बाद की होगी। चाहे कितना भी लोग जितनी ज्यादा ताकतें लगाएंगे हमारे विरोध में, हमारा युवा, हमारा नौजवान पूरी ताकत के साथ मुकाबला करने के लिए तैयार है। मैं आज अपील करूंगा अपने सभी साथियों से और खासकर समता समिति के तमाम पदाधिकारियों से कि वे पूरी ताकत के साथ मैदान में उतरने का काम करें, जिससे आने वाले समय में जो समता समिति की पताका है, जो बाबा साहब का नीला झंडा है, इसको उठाने के लिए, इस झंडे को ताकतवर करने के लिए आप लोगों की समाज को आशा है। और जो जेपी संस्था बनाकर लोग चल रहे हैं वो धीरे धीरे वे काम हो जाएंगे, लेकिन तब होंगे जब आप पूरी ताकत के साथ समाज के अंदर जाएंगे। मैं आप सभी यहाँ पे आई हुई पदाधिकारियों का, सैनिकों का, अतिथियों का तहे दिल से स्वागत करता हूँ। जय भीम, जय भारत।